यूएई के दुबई में जेबेल अली गांव में निर्मित नया हिंदू मंदिर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। यह मंदिर सिंधी गुरु दरबार मंदिर का विस्तार है, जो यूएई के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। 2020 में यहां 16 देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ मंदिर की नींव रखी गई थी। आपको बता दें कि कल दशहरा के मौके पर मंदिर को आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है। यूएई के सहिष्णुता मंत्री हिज हाइनेस शेख नाहियान बिन मुबारक अली ने इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। हालांकि इस मंदिर का औपचारिक उद्घाटन 1 सितंबर 2022 को पहले ही हो चुका है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को सफेद संगमरमर से बने मंदिर के अंदरूनी हिस्सों की एक झलक पाने की अनुमति दी गई थी। हजारों भक्तों ने इस मौके पर भगवान के दर्शन भी किए। इस मंदिर में अलंकृत स्तंभ अग्रभाग पर अरबी और हिंदू ज्यामितीय डिजाइन और छत पर घंटियां हैं। हिंदू मंदिर प्रबंधकों ने श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए अपनी वेबसाइट के माध्यम से QR कोड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रणाली को भी सक्रिय किया है। QR कोड के जरिए भक्तों को भीड़ और अन्य परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे मंदिर में व्यवस्था और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही बता दें कि मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यहां सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक प्रवेश खुला रहेगा। प्रवेश सिर्फ उन श्रद्धालुओं को मिलेगा जिन्होंने 5 अक्टूबर के लिए मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग कराई होगी। हिंदू मंदिर में रोजाना लगभग 1,000 से 1,200 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि दुबई में करीब 64 साल पहले एक हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ था। दुबई में स्थित उस मंदिर में भगवान शिव और कृष्ण की स्थापना हुई है, लेकिन यह अब तक का सबसे विशाल मंदिर है। जेबेल अली में साल 2012 में एक भव्य गुरुद्वारा बनाया गया था। मंदिर के अधिकारियों की माने तो यह मंदिर 70,000 स्क्वायर फीट के हिस्से में फैला है और 2 मंजिला है। पहली मंजिल पर एक बड़ा सा प्रेयर हॉल है। इसके किनारे पर छोटे कमरे बने हैं जिसमें 16 भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। वहीं भगवान ब्रह्मा के लिए एक अलग से कमरा है। पहली मंजिल पर 4,000 स्क्वायर फीट का एक हॉल है। इस हॉल में कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकेगा। इसमें श्रद्धांजलि सभा, शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रम शामिल होंगे। मंदिर को कल आधिकारिक तौर पर बाकी जनता के लिए खोल दिया गया। मंदिर सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। दिलचस्प बात है कि अक्टूबर 6 के अंत तक मंदिर में दर्शन के लिए अपॉइंटमेंट्स फुल हो गए हैं। 5 अक्टूबर से जिन लोगों ने वेबसाइट के जरिए बुकिंग कराई है उन्हें असीमित समय तक के लिए एंट्री मिल सकेगी। वर्तमान समय में दर्शन सिर्फ कुछ घंटों के लिए है। बुकिंग सिस्टम अक्टूबर के अंत तक रहेगा और इसके बाद सदस्यों को फ्री एंट्री मिलेगी। वो किसी भी समय आकर दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वो मंदिर तक आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ भारत।